वेलकम यू इन सैफी फिलोसफी चैनल। अभी तक हम जो नॉलेज पे बात कर रहे थे, उसके एप्लीकेशन पे बात कर रहे थे। आज थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ टॉपिक, वो हम सीरीज पूरी करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी इज्जत नफ्स जिसे हम कहते हैं। देखिए, आज जो इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। ये बिल्कुल एक उसूल है, आप इसे समझ लें कि अगर मेरी नज़र में मेरी ही वैल्यू नहीं है तो दूसरे क्यों करेंगे। देखिए, जब हमारी नज़र में खुद की वैल्यू होती है, हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा लफ्ज़ ना कहें, ऐसे वर्ड्स ना कहें कि लोग हमारी हमें गाली देना शुरू कर दें या हम उनकी नज़र में हमारी वैल्यू घट जाए। हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पर हमारी वैल्यू कम हो। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे कि हम रुसवा हो जाएं, बदनाम हो जाएं, क्योंकि हमारी नज़र में खुद की रिस्पेक्ट है। और यही वजह है कि जिन लोगों की उनकी नज़र में उनकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं होती, तो वो कहीं भी चले जाते हैं, वो किसी भी जगह चले जाते हैं, किसी भी शख्स से बात कर लेते हैं, और इन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन्हें कोई गाली दे रहा है या बुरा कह रहा है, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, यानी वो खुद अपनी इज्जत नहीं करते। और जब हमारी नज़र में खुद की वैल्यू होती है, तो हम हर लफ्ज़ बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं, और हमारी ज़िंदगी जो होती है ना, बिल्कुल एक ऐसी होती है कि हर बात को सोचना समझना, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी इज्जत होती है। और देखिए, ये आपने कई बार सुना होगा, एक इंग्लिश में ही प्रोवर्ब है कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। क्या मतलब हुआ? अगर आपका पैसा चला जाए तो कुछ नहीं गया, कुछ नहीं लॉस्ट हुआ। अगर आपकी तंदुरुस्ती चली जाए, सेहत चली जाए, बीमार हो जाए आप, तो कुछ खोया आपने, थोड़ा बहुत खोया। लेकिन अगर आपकी इज्जत और कैरेक्टर चला जाए, सब कुछ खो दिया आपने। तो आज हमने क्या किया, कैरेक्टर को थर्ड नंबर पर रख दिया और पहले नंबर पर हेल्थ को रख दिया, वेल्थ को रख दिया। कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इज्जत चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा आ जाए, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ये आज की थ्योरी है, और यू वॉन्ट बिलीव कि आजकल बुक्स, आजकल का लिटरेचर वो भी इसी चीज़ पर फोकस करा रहा है। पहले लोग आपने देखा होगा, उन्होंने इज्जत का सौदा कभी नहीं किया, यानी उन्होंने अपनी दौलत वो सब चीज़ें कुर्बान कर दी, अपने आप को भी कुर्बान कर दिया, इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज हमारी नज़र में कुछ वैल्यू नहीं है इज्जत की। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान क्या है, वट इज़ ह्यूमन बींग, तो आप कहोगे इंसान के पास इंसान एक इज्जत का नाम है। यानी उसके पास अगर इज्जत नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, सो ह्यूमन बींग इज़ नथिंग बट एनिमल। भाई जानवर जो होता है, उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई उसकी इज्जत करे, कोई उसका एहतराम करे, रिस्पेक्ट से बोले उसे। लेकिन अगर इंसान भी ऐसा करने लगे तो वो एनिमल की तरह है बिल्कुल। इंसान को इज्जत नफ्स का ख्याल होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी से आप कहकर बात करेंगे तो वो भी आपसे आप कहेगा, तो देखो आपके हाथ में अपनी इज्जत। अगर आप उसे गाली देना शुरू कर दें, बदकलामी करें आप उसके साथ, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि वो आपकी इज्जत करें। यही सबके साथ प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, देखिए, जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो एक्चुअली ली नहीं जाती, वो दी जाती है। रिस्पेक्ट इज़ नॉट टेकन, इट इज़ गिवन। आप रिस्पेक्ट देंगे तब आपको मिलेगी। ये उसूल आप हमेशा याद रखना ज़िंदगी में। हम करते क्या है, हम उसे मांगते हैं, हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं हमें मिले, और हम कुछ हम देना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम चाहते हैं हम बैठे रहें, लोग खड़े होकर सलाम करें, हमें अपनी जगह से बिल्कुल ना उठें, तो ये इम्पॉसिबल है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक बहुत ही वसी और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है फ्रेंड्स। इस पर भी हम कई लेक्चर्स करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कल नॉलेज के सीरीज़ को बढ़ाएंगे। ये तो मैंने बीच में ले लिया क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि वी डोंट केयर फॉर रिस्पेक्ट। और हमें अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारी इज्जत नहीं होती, हमारी तो कोई इज्जत करता नहीं है, और वो गलत गलत रास्ते चुनते हैं। कोई दौलत कमाना चाहता है कि इससे मेरी इज्जत होगी। देखिए, अगर आपके पास पैसा है और लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए कि इज्जत आपके पैसे की हो रही है। भैया, जब आपके पास पैसा नहीं था तो वही लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं कर रहे थे? अगर आपकी इज्जत है तो वो इसलिए कि आपने भी तो इज्जत का सहारा किसी और चीज़ में देखा, आपको लगा इज्जत पैसों की होती है, तो आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो मुझे आप एक बार बताइए, क्या हमेशा आपके पास पैसा रहेगा? तो आंसर होगा नो, कभी नहीं रहेगा। लेकिन आपकी जो जान है, आप तो रहेंगे ना जब तक जिंदा है, इससे आपको कोई नहीं छीन सकता। आपका गुरूर, आपका ज़मीर, ये हमेशा आपके साथ है। तो इसलिए आज मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात की है, कल को इसके ऊपर ही बात करूँगा मैं। सो टिल देन, बाय बाय।